तिलक नहीं दे रहे तब भी तो सब हो रहा है। और कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, वोट बेईमानी करके जीतते हैं। ओके, बेईमानी तोड़ लेते हैं। ओके, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादी। अरे तो क्या कह रहे हैं, बात कह रहे हैं। खुशी नाम है। तो क्या मतलब फूलपुर की हैं आप? जी। तो इस बार फूलपुर में भाजपा को दिया है प्रवीण जी को। जी। तो किसको वोट देंगे इस बार? अब जो भी मालूम नहीं, जब आएगा तब देंगे। जब वक्त देंगे जी। तो महंगाई महंगाई है कि नहीं सरकार? महंगाई बहुत है। महंगाई है, महंगाई है ही है। महंगाई कम है क्या? बहुत महंगाई है। तब क्या सरकार दोबारा आनी चाहिए कि नहीं आनी? नहीं, नहीं आनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं मिली है आंटी सरकार? बहुत सुविधाएं मिली है। हम लोग जब तक रहेंगे मोदी को ही देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार में बेरोजगारी है, उस पर क्या कहें? नहीं नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है। मोदी का राज्य सबसे अच्छा राज्य है। इसको लाइक करती हैं आप मोदी जी को? ऐसा क्या कारण? बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा मंदिर वंदिर बनवा रहे हैं। और पहले भी थे जब जी। और कोई था तो कोई नहीं करवाता था। लड़कियों की सुरक्षा है कि नहीं सरकार? बिल्कुल है। पहले की सरकार में कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। नहीं, आप क्या रहा है? मोदी जी को। मोदी जी, कोई एक दो कारण बता दीजिए। बस कोई कारण है ही नहीं, सब अच्छा है मोदी। आप लोगों को सुविधा मिल रही है कि नहीं सरकार? बहुत बहुत सब चीज। जैसा कन्यादान योजना था उसमें आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? हाँ आ रहा है। आप ही क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, हम लोग एकदम तत्पर है मोदी जी को जिताने के लिए। बिल्कुल, ये तो भक्ति लग रही है आपकी। हाँ हाँ आंटी जी, आपका क्या कहना है? क्या क्या कह रहे हैं आंटी जी मोदी जी को? हाँ हाँ मोदी भैया, क्या लग रहा है मोदी सरकार बढ़िया है? अच्छे हैं। जो भी किसको वोट देंगे इस बार? अब देखिए किस पे देते हैं। अरे आप लड़कियों के लिए बहुत काम कर रही है सरकार। हाँ कर तो रही है। तो बता दीजिए ना क्या मतलब, ऐसा कुछ दो एक आध दो मुद्दा। अब क्या पता, अच्छे हैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ सुविधाएं मिल रही है। और जैसे कि मतलब इलाहाबाद में देखा जाए तो बहुत सी सुविधा ऐसे की है लड़कियों के लिए। तो राहुल गांधी भी तो खड़े हैं, बोल रहे हैं आएंगे इस बार, हम स्कूटी वगैरह दे देंगे। अब उतना हम नहीं जानते भैया। वो नहीं जानते मोदी जी को? नहीं, मेरे पास उतना वो करने की। मोदी जी को नहीं, अपने से खाली नहीं है। मोदी जी को तो जानते ही हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे हैं। आप कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे एक दो कारण बता दीजिए। कारण बहुत है, कितना बताएं, बनाए तो बताएंगे तो लिस्ट कम पड़ेगी। बेरोजगारी है दूसरा मुद्दा। बहुत सी है गरीब। जैसे कि ये सरकार महिलाओं को 3 तलाक बढ़िया सब काम कर दी, उस पर आप खुश हैं कि नहीं? तिलाक नहीं दे रहे तब भी तो सब हो रहा है। ठीक भैया, 3 तलाक का कानून इसने हटाया, बढ़िया था कि नहीं वो कानून? नहीं नहीं नहीं, आप लोग देख सकते, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्या? तो योजनाएं कुछ मिली नहीं है क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं मिली है। राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या अखिलेश जी आएंगे तो कुछ मिलेगा? अरे कुछ मिले या ना मिले, हाँ। हमारी मर्जी, हम किसी को भी दे सकते हैं। 500 रुपए नहीं आया था आपके खाते नहीं, में? नहीं, कुछ नहीं आया? नहीं कुछ नहीं आया। इस बार बदलाव होना चाहिए। और क्या, बदलाव होना चाहिए। तो मोदी जी को कुछ भी अच्छाई बता दीजिए। अरे अच्छाई क्या बताए, हमारे निगाह में अच्छाई नहीं है कुछ। वो तो कह रहे हैं महिलाओं का आशीर्वाद है हमारे साथ। अरे महिलाओं का आशीर्वाद है तो महिलाओं उनका दे तो वो जीती। महिलाओं नहीं जीतते, कोई नहीं जीतता, वो सब अपने से जीतते हैं। अपने से जीतते हैं। और कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, वोट बेईमानी करके जीतते हैं। और क्या, बेईमानी से वोट लेते हैं? और क्या, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादी आप। अरे तो क्या कह रहे हैं, बात कह रहे हैं तो हाँ। बात कहने से क्या होता, बेईमानी से वोट जा रहा है। और क्या, डालब जहाँ दुनिया दे जनता हुआ और दे दे भाई, जहाँ दुनिया देगी आपको वही दे देंगे। और आप दे दीजिए इस बार। नहीं, हम मोदी जी के साथ देंगे। चाचा जी क्या नाम है? सुरेश। क्या माहौल है, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी है इसमें। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया भैया। आप प्रवीण पटेल जी को टिकट मिला है अभी? अच्छा, तो क्या जीत पाएंगे कि नहीं? वो जीत जाएंगे। क्या क्या सुविधाएं मिली है आंटी सरकार? बहुत सुविधाएं मिली है। हम लोग जब तक रहेंगे मोदी को ही देंगे।